अस्सलाम वालेकुम। आपके न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन के चैप्टर का ये सेकंड टॉपिक है सर्जिकल थर्ड सेमेस्टर में। सर्जिकल थर्ड सेमेस्टर में आपके न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन में ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ न्यूरो ऑन्कोलॉजी। अच्छा, न्यूरो वर्ड से ही आप समझ लें, न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, स्टडी ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। सो न्यूरो ऑन्कोलॉजी दैट इज़ द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ हम कह सकते हैं कि जब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर्स की स्टडी कर रहे हैं, सो दैट इज़ न्यूरो ऑन्कोलॉजी। सही है, डिफिनेशन इसकी क्या है न्यूरो ऑन्कोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड न्योप्लाज्म। न्योप्लाज्म दैट इज़ ट्यूमर्स, तो ट्यूमर्स की जब हम स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ न्यूरो ऑन्कोलॉजी। अच्छा, कौन कौन से टाइप के आपके ट्यूमर्स हो सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में? तो डिफरेंट टाइप्स है, बुक में आपके जस्ट नेम्स दिए गए हैं। सही है, जब आप बुक को रीड करेंगे तो इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। आपके बुक में जस्ट नेम दिए गए हैं कि ब्रेन में एस्ट्रोसाइटोमा होता है, ग्लियोमा हो सकता है, ग्लियोब्लेस्टोमा मल्टीफॉर्म हो सकता है, एपिंडायोमा पोंटाइन ग्लियोमा या एपिंडायोमा, ये जस्ट नेम्स दिए हैं आपके बुक में। मैंने थोड़ा इनको एक्सप्लेन किया है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि ये क्या चीज़ है। सही है, इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की या डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सही है, अच्छा तो कौन कौन से ट्यूमर्स आपके ब्रेन में हो सकते हैं? तो सबसे पहले है, दैट इज़ एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा आपके पास ब्रेन में सेरेब्रम में सेल्स है, दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स आपके साथ स्टार शेप ब्रेन सेल्स है, तो उन सेल्स की जब ट्यूमर्स होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोसाइटोमा कहते हैं। अच्छा, ये आपके पास बिनाइन है। सही है, ये जो मेन बातें हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि आपके बुक में इतना डिटेल नहीं है, और मैं डिटेल में जाऊंगी तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट इतना आप समझ लो कि एस्ट्रोसाइटोमा आपके एस्ट्रोसाइट सेल्स की ट्यूमर को कहते हैं एस्ट्रोसाइटोमा। मेन जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि एस्ट्रोसाइटोमा आपके पास बिनाइन ट्यूमर्स है। बिनाइन और मैलिग्नेंट का आपको पता होगा, बिनाइन जो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, अपनी जगह पे ही लॉक रहता है, एक कैप्सूल में बंद होता है, आगे नहीं जाता, दूसरी जगहों पे नहीं फैलता। जबकि मैलिग्नेंट आपके पास क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो ख़तरनाक होता है, वो फैलने वाला ट्यूमर होता है। सही है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, दैट इज़ ग्लियोमा। ग्लियोमा आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपके सेल्स है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लियल सेल्स। जब ग्लियल सेल्स में आपका ट्यूमर होता है तो उसको हम कहते हैं ग्लियोमा। ग्लियोमा आपके पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये आप बात नोट कर ले कि एस्ट्रोसाइटोमास आर बिनाइन एंड ग्लियोमा आर मेलिग्नेंट। फिर है आपके पास ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, ये वाले ट्यूमर आपके पास मोस्ट एग्रेसिव टाइप है। मोस्ट एग्रेसिव टाइप मतलब जो जल्दी से फैलते हैं और जल्दी से ग्रोथ भी करते हैं, ये भी आपके पास मेलिग्नेंट टाइप है और ये बहुत एग्रेसिव टाइप है, मतलब जल्दी फैलता है, इसके फैलने के टाइमिंग बहुत तेज़ है। सही है, सो दिस इज़ अ डेंजरस फॉर्म, डेंजरस टाइप ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर है आपके पास ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। इसके बाद है एपिंडायोमा ट्यूमर, दैट अराइज फ्रॉम द एपिंडायमा टिश्यू ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास एपिंडायमा टिश्यूज़ होते हैं, एपिंडायमा टिश्यूज़ की जब ट्यूमर होती है तो इनको हम कहते हैं एपिंडायमोमा। सही है, लास्ट में आपके पास है पोंटाइन ग्लियोमा। पोंटाइन ग्लियोमा क्या है कि आपके ब्रेन स्टेम में पोन्स, ब्रेन स्टेम आपका किससे बना है, ब्रेन स्टेम आपका बना है मिड ब्रेन से, और मिड ब्रेन पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ये तीनों मिलके आपका क्या बनाती है, ये तीनों मिलके आपका बनाती है ब्रेन स्टेम। मैंने आपके दूसरे स्लाइड में आपको ब्रेन की इमेज दी थी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि क्या चीज़ है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम आपका मिड ब्रेन पोन्स और मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा आपका ब्रेन स्टेम बनाता है। तो ब्रेन स्टेम में जो आपका पोन्स का पार्ट है, अगर वहाँ से आपका ट्यूमर ओरिजिनेट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पोंटाइन ग्लियोमा। पोंटाइन ग्लियोमा आर मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट है, ग्लियोमा का वर्ड आएगा तो दैट इज़ मेलिग्नेंट ट्यूमर। सही है,
मेलिग्नेंट ट्यूमर्स है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रेन नोन एज ब्रेन स्टेम से ये एराइज होते हैं। अच्छा, इसमें वर्स टाइप कौन से है जो सबसे ख़राब है, जो मतलब जो बहुत ज़्यादा वर्स टाइप में आ जाते हैं मेलिग्नेंट कैंसर में, जो वर्स टाइप है वो क्या है? तो उसमें है ग्लियोमास ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड पोन्स। पोन्स और ब्रेन स्टेम में जब आपका ग्लियोमा होता है, ग्लियोमा टाइप ऑफ कैंसर होता है, सो दैट इज़ द वर्स्ट। ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, दिस इज़ द वर्स्ट टाइप। एंड हाई ग्रेड या हाईली एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा आर एमोंग द वर्स्ट। एस्ट्रोसाइटोमा आपके पास बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन अगर उसका ग्रेड ज़्यादा हो जाए, जितना ग्रेड बढ़ता जाता है उतना ही ट्यूमर आपके पास वर्स्ट होता जाता है। तो मतलब हाई ग्रेड ऑफ एस्ट्रोसाइटोमा आर आल्सो द वर्स्ट टाइप ऑफ द ट्यूमर। अच्छा, सर्वाइवल रेट इसमें कितना है इन दीज केसेस, मतलब ट्यूमर्स हो गए ब्रेन में तो उनके सर्वाइवल रेट चांसेस क्या है कि ज़िंदा बचने के चांसेस कितने हैं या कितना टाइम वो ज़िंदा रह सकते हैं उन ट्यूमर्स के साथ? तो अगर अनट्रीटेड है, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते, कोई मेडिकेशन या हम सर्जरी नहीं करते, तो उसमें अ फ्यू मंथ्स तक उनका ओनली अ फ्यू मंथ सर्वाइवल रेट होगा हमारे पास। लेकिन अगर हम करंट रेडिएशन कर रहे हैं, हम कीमोथेरेपी कर रहे हैं, मतलब हम ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट की है, हम कैंसर के लिए कीमोथेरेपी कर रहे हैं या रेडिएशन थेरेपी कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है, अप टू एन ईयर और हाफ एन ईयर और टू और मोर, एक साल तक, दो साल तक ये हमारे पास उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है जब हम क्या करते हैं रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी करते हैं। दैट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर द ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स, सही है। डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, इम्यून फंक्शन, ट्रीटमेंट्स यूज्ड एंड द स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। अब ये आपका सर्वाइवल रेट ये किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? एक तो आपके थेरेपी पे डिपेंड कर रहा है, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। इसके अलावा पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, पेशेंट की हेल्थ पे डिपेंड कर रहा है, पेशेंट की मेंटल स्टेटस पे डिपेंड कर रहा है कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, कितना हेल्दी है, वो फिजिकली कितना स्ट्रांग है, कितना हेल्दी है, और किस टाइप का मेलिग्नेंट ट्यूमर है, कौन से टाइप का मेलिग्नेंट ट्यूमर है। तो ये सब आपके सर्वाइवल रेट को फ्लक्चुएट करते हैं, इसको ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। अगर हेल्दी पर्सन है तो उनका सर्वाइवल रेट मे बी वो साल दो साल तक और भी बढ़ जाए, तो ये इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आप सर्जरी के ऑप्शन पे जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स है तो उनके लिए सर्जरी भी होती है, ट्यूमर्स को रिमूव करते हैं, तो सर्जरी के ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो सर्जरी क्या करती है, तो वो नॉर्मली क्यूरेटिव है और रिकवरी उनकी अच्छी हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास बता रहे हैं कि जनरल रूल ये है कि अगर आपके ब्रेन में मेलिग्नेंट ब्रेन कैंसर है, मेलिग्नेंट जो फैलता है आगे जाता है, तो मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर के केसेस में ये होता है कि उसके रीजनरेट होने के और रीइमेजन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो इजीली आसानी से दोबारा वहाँ पे ग्रोथ कर सकता है, वो बार बार वहाँ पे आता है जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। अगर आप उसको रिमूव करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके सेल्स वहाँ पे रह जाते हैं या वो दूसरी जगह गए होते हैं और वो फिर दोबारा उनकी रीइमेजन हो जाती है या रीजनरेशन हो जाती है, क्योंकि हाई मेलिग्नेंट केसेस में ये बात बहुत कॉमन है। इसलिए तो हम कहते हैं कि कैंसर, मेलिग्नेंट कैंसर जो है वो ख़त्म ही नहीं होता, वो बार बार रीजनरेट होता है। इन सच केसेस द गोल इज़ टू एक्सरसाइज एज मच ऑफ द मास एज पॉसिबल फॉर द ट्यूमर मार्जिन। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स में हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को रिमूव करें, उसके इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी सेल्स टिश्यूज़ होते हैं, हम उन सब को रिमूव करते हैं, क्योंकि उन चांसेस होते हैं कि ट्यूमर वहाँ तक फैला होता है। तो हमारा जो कोशिश हमारी होती है कि हम एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज कैसे कहते हैं, रिमूव करना, हम उसको काटें, हम उसको रिमूव करें जितना हमसे हो सकता है, एज मच एज पॉसिबल, विदाउट इंड्यूरिंग वाइटल फंक्शन एंड अदर इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव फंक्शन एबिलिटीज़, कि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज भी करें लेकिन हम वाइटल फंक्शन या इम्पॉर्टेंट जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनको भी डैमेज ना करें। हमारी ये कोशिश होगी कि जो हम ट्यूमर्स हैं उनको कंट्रोल भी करें और जो हमारे पास अदर स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम डैमेज भी ना करें। सो ये आपके पास आपका टॉपिक था एंड थैंक यू सो मच।